आज पढ़ा रहे हैं अध्याय आठ। आठ में हेडिंग है सामाजिक विषमता या असमानता। सामाजिक विषमता या असमानता है ना, सोशल इनक्वालिटी। सोशल इनक्वालिटी है ना, एग्जाम में आएगा सामाजिक विषमता और असमानता से क्या समझते हैं। सामाजिक विषमता या असमानता का क्या अर्थ है? सामाजिक विषमता असमानता से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है? कोई परिभाषा लिखिए, आंसर क्या होगा? एक होगा, आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती है। किसी व्यक्ति को समाज में परिस्थिति एक समान होती है? नहीं, नो, उतार चढ़ाव लगा हुआ है। किसी भी मनुष्य का परिस्थिति एक समान नहीं होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव लगा हुआ रहता है। बात समझ रहे हैं? प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शक्ति आदि मूल्यवान संसाधन का एक बड़ा हिस्सा होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है, प्रॉपर्टी होता है, जबकि समाज का एक बड़ा वर्ग इन संसाधनों से अपेक्षाकृत वंचित होता है। एक समाज क्या है? इन सब चीजों से वंचित होता है, गरीब होता है, निर्धन होता है। इन सामाजिक संसाधनों की पूंजी के तीन रूप में वर्गीकृत किया गया है। कहाँ? पहला, भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में अधिक पूंजी, आय के रूप में अधिक पूंजी, कैपिटल। दूसरा, प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी। प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी है ना, सांस्कृतिक पूंजी। और तीसरा, सामाजिक संपत्तियों एवं संबंधों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी, जाल के रूप में सामाजिक पूंजी, कैपिटल। तीन तरह से गौर कर रहे हैं। अब देखिए, पूंजी के तीन रूप प्रायः एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। पूंजी, कैपिटल के तीनों रूप एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। आपको अभी भी बताए, समाज में विषमता और असमानता, मतलब कहने का ठेठ भाषा में अर्थ है, समाज में उतार और चढ़ाव लगा हुआ रहता है। समाज में अमीरी गरीबी लगा हुआ है। समाज में कभी परिस्थिति हमारी बहुत ही खराब हो जाती है, बहुत ही बाद में देखिए, कहीं भी फिर बाद में कहीं समाज देखिएगा सुदृढ़ हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि समाज का परिस्थिति एक समान नहीं होता है। किसी देश का, किसी समाज का, किसी परिवार का, किसी गांव का, किसी राज्य का, किसी कस्बा का, किसी शहर का एक समान होता है स्थिति? नहीं होता है। तो समाज में परिस्थिति